हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं ज्वार, बाजरा और रागी की रोटी। तीनों रोटियां हमने बिल्कुल अलग अलग तरीके से बनाई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और सबसे बड़ी बात है, पहले हम बनाने वाले हैं ज्वार की रोटी, जो कि ग्लूटेन फ्री होते हैं सारे के सारे मोटे अनाज। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं ना, उनको डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप ज्वार की रोटी या फिर मोटा अनाज इनटेक कीजिए। उससे क्या होता है, ब्लड शुगर का जो लेवल होता है ना, वो कंट्रोल में रहता है। तो चलिए देखते हैं हमने यहाँ पे हेल्दी रोटी किस तरीके से बनाई है। यहाँ पे गैस ने ऑन कर ली। इस पैन में हम डाल रहे हैं 3/4 का पानी। जो हम तीन प्रकार के डो बनाएंगे ना, उसे पानी की क्वांटिटी मेन है, मीन्स अलग अलग क्वांटिटी पानी की इस्तेमाल की गई है। और इसको बहुत अच्छा टेस्ट देने के लिए 1 टीस्पून यहाँ पे लहसुन, मिर्च और नमक का पेस्ट हमने डाला है। मीन्स इसके अंदर नमक ऑलरेडी मिक्स है। और सारी चीज़ें अच्छे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे आप देख सकते हैं, पानी के अंदर बबल्स दिख रहे हैं, इस तरीके से पानी गर्म हो जाएगा। तुरंत इसके हम डाल देंगे 120 ग्राम पालक। अगर आपको पालक पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और पालक बहुत ही जल्दी से पक जाती है, मीन पानी में डालती, गर्म पानी में डालते सॉफ्ट हो जाएगी। तुरंत हम गैस को ऑफ कर देंगे, बहुत देर तक ओवर कुक हमें नहीं करना है। और यहाँ पर पालक जैसे आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो गई है, इसके अंदर एक बॉयल आएगा, तुरंत हम इसके अंदर आटा डाल देंगे। तो ये ज्वार का आटा, जो कि बहुत ही हल्के रंग का होता है, काफ़ी मोटा होता है, मीन्स हल्का सा दरदरा सा लगता है। यहाँ पे इसके अंदर आटा डाल देते हैं अब। और गैस को भी ऑफ कर देंगे, गैस को ऑन बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इसके अंदर पालक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो जितना आपने पानी लेना है उतना ही आपको आटे का भी इस्तेमाल करना है। मीन्स पालक में ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है ना, तो उसकी वजह से क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है पानी की। अगर आप कोई भी मेजरिंग कप सेट कर लीजिए, उसी से ही आप पानी भी लीजिए और उसी से ही आटे का भी इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर देनी है, बस इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए आपको 5 मिनट लग सकते हैं। मीन्स अगर आप फ्रीजर में रख देंगे तो बहुत जल्दी से ठंडा हो जाएगा ये आटा। ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है, इसको अच्छा सा डो बना लेते हैं। अगर आपको लग रहा है आटा बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसके अंदर 1-2 चम्मच आप सूखा आटा डाल दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आटा बहुत ही टाइट है, तो गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आटा बहुत सॉफ्ट बन के रेडी हो जाएगा। अब चलिए इसकी रोटी बना लेते हैं। तो इतनी क्वांटिटी में सिर्फ 2 रोटी बनेगी, काफ़ी बड़े साइज़ की। और सूखा आटा लगा के हमने ज्वार का ही आटा इस्तेमाल किया है, या फिर आप जो आटा होता है गेहूं का आटा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी अच्छी सी रोटी बना लेंगे। साइड में थोड़े से क्रैक्स आते हैं ना, तो उसको हाथ से ठीक करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्रैक्स नहीं आते हैं अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। और इतनी हमने थोड़ी सी मोटी रोटी बना के रेडी कर ली है। और इसी तरीके से दूसरी रोटी भी बना के रेडी कर लेते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और स्पेशली जो पालक डाल के बनाते हैं ना, हमको तो बहुत अच्छी लगती है। आप भी ट्राई कीजिएगा। और इसके अंदर जो लहसुन वगैरह का जो पेस्ट डाला था ना, उसकी वजह से टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब चलिए इसको फटाफट से सेक भी लेते हैं। और यहाँ पे पैन हमारा गर्म हो चुका है, और इस रोटी को ना मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सेकना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके, ताकि अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए, बिल्कुल भी कच्चापन इसके अंदर ना रहे। और जैसे इसका कलर आप देख सकते हैं, हल्का सा पिंकिश कलर हो गया, हल्की सी स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं। इस तरीके से दोनों साइडें पलट पलट के अच्छी तरीके से सेक लेना है हमको। अगर आप पराठा खाने का मन है तो आप इसे घी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से रोटी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रोटी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए अच्छे अमाउंट में इसके अंदर घी अप्लाई कर देंगे। और एक चीज़ हमने इसके और अप्लाई करनी है, जिससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, लहसुन, मिर्च और नमक वाला पेस्ट, जो कि खाने बहुत टेस्टी लगती है रोटी। और हमने यहाँ पे इसको सर्व किया है तरोई की सब्ज़ी के साथ में, जो कि हमको तो बहुत ही पसंद है। तो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे लहसुन मिर्च वाला पेस्ट, जो कि बहुत टेस्टी इसका टेस्ट बढ़ा देता है। तो आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अब हम बनाने वाले रागी की रोटी। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कैसा है, थोड़ा सा डार्क कलर की। यहाँ पर हमने एक जुकीनी का इस्तेमाल किया, मीन्स तोरोई का इस्तेमाल किया। इसको मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। अगर आपको तोरोई नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह पे लौकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे गैस हमने ऑन कर ली, इसके अंदर 3/4 का पानी हम डाल रहे हैं। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा घी इसमें भी डाल देंगे। जैसे ही पानी के अंदर बॉयल आएगा, इसके अंदर हम ग्रेटेड जुकीनी मीन्स तोरोई डाल देते हैं। अगर आप तोरोई का इस्तेमाल और ज़्यादा कर रहे हैं, मीन्स 2 तोरोई अगर पानी में डाल रहे हैं, तो पानी की क्वांटिटी ना थोड़ी सी कम कर दीजिए, क्योंकि तोरोई के अंदर ऑलरेडी पानी बहुत सारा होता है। और अगर आप तोरोई बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं, तो 1 कप आपको पानी और 1 कप आटे का इस्तेमाल करना है। तो हमने गैस ऑफ कर दी। अब इसमें रागी का आटा हमने ऐड कर दिया, थोड़ी सी धनिया डाल देते हैं। सारी चीज़ अच्छे से मिक्स कर देंगे और पैन के अंदर नहीं पड़ा रहने देंगे। अगर पैन थोड़ा सा गर्म रहता है ना, तो आटा और कड़ा हो जाएगा, इस वजह से तुरंत इसको मिक्स करने के बाद में मिक्सचर को हम इस बोल के अंदर निकाल देंगे।
और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। चाहे तो आप फ्रीजर में रख सकते हैं 5 मिनट के लिए, एक्स्ट्रा टाइम है तो 15 मिनट के लिए आप ऐसे ही रख सकते हैं, ठंडा हो जाएगा ये। और बस इसका हम डो बना के रेडी कर लेंगे। इस तरीके से पानी, गर्म पानी में डालने से क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट डो बन के रेडी होता है, बहुत ही आसानी से रोटियाँ भी बन जाती हैं। और इसमें भी दो रोटियाँ बनेंगी, बड़े साइज़ की रोटियाँ बनेंगी, आप चाहें तो 3 रोटियाँ बना सकते हैं, नहीं तो 2 रोटियाँ बड़े साइज़ की बन के इससे रेडी हो जाएंगी। और इसको हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर सेक लेना है ताकि अंदर तक अच्छी तरीके से कुक हो जाए, कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। और रागी का आटा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, मीन सारे मोटे अनाज में फाइबर तो होता ही है, साथ में रागी के स्पेशली आटे में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, जो हम लोग सिंथेटिक कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं। तो आप रागी की रोटी खाइए तो आपको नेचुरल कैल्शियम मिलेगा। और रागी तुरई की हेल्दी रोटी रेडी हो चुकी है, तो गर्मा गर्म सर्व करेंगे। थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा सा घी लगा लेते हैं, और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, हमें तो बहुत पसंद है। तो आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और अब बनाते हैं अपनी हेल्दी बाजरे की रोटी। तो इसको बनाने के लिए गैस हमने ऑन कर ली। इस पैन में हम डाल रहे हैं 1 कप पानी, जो हमने पहले डो बनाए थे ना उसमें हमने डाला था 3/4 कप पानी, क्योंकि हमने पालक और तुरई का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर 1 कप पानी डालेंगे, क्योंकि बाजरे का जो आटा होता है पानी थोड़ा सा ज़्यादा सोक करता है। थोड़ा सा घी डाल देते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा हमने क्यूमिन सीड जीरा डाला है, और यहाँ पर थोड़ी सी अदरक डाली हमने बारीक कटी हुई। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अदरक के साथ में आप लहसुन भी डाल सकते हैं इसके अंदर। इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे पानी के अंदर थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा ना, वैसे इसके अंदर डाल देंगे 1.5 कप पत्ता गोभी। हमें कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं पकानी डो को बनाने के लिए, मीन्स कोई भी डो अगर आप बनाएंगे तो आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं, क्योंकि बहुत देर तक हमें कुछ भी कुक नहीं करना है। पत्ता गोभी हमने डाल दी, तो इसको हमें बहुत देर तक नहीं पकाना है, बहुत जल्दी से पक जाती है। सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए इस मीडियम फ्लेम पर ऐसे इसे चला देंगे, उसके बाद में आप देख सकते हैं बॉयल आ गया, गैस को हमने ऑफ कर दिया। इसको डाल देते हैं बाजरे का आटा। आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा डार्क होता है, मीन ज्वार का आटा जो होता है हल्का सा लाइट होता है, इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। और ऐसे आप सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे, गैस को तुरंत ऑफ कर देना है हमें। और पैन में हमें इसको रखा नहीं रहने देंगे, क्योंकि पैन में रखने से पैन काफ़ी गर्म रहता है, तो आटा जो है ना थोड़ा सा टाइट सा हो जाता है। इसलिए सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में तुरंत इसको निकाल देते हैं बोल के अंदर, और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप इस स्टेज पे देखें कि आपका आटा बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा आप गर्म पानी ऐड कीजिए, ठंडा पानी मत मिक्स कीजिएगा। और अगर आप देख रहे हैं आटा बहुत ही डो जो है ना बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डाल के आप अच्छा सा डो बना के रेडी कर सकते हैं। और हमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेनी, बस इसकी भी हम अच्छी से रोटी बना के रेडी कर लेंगे। और इसकी भी 2 रोटियां बन के रेडी होंगी, 2 बड़े साइज़ की रोटी, वैसे आप 3 बना सकते हैं, नहीं तो 2 बड़े साइज़ की रोटियां बना सकते हैं। और इसके अंदर सूखा आटा लगा के इसको अच्छे से रोटी बना लेंगे, रोल कर लेंगे। और साइड में बहुत ज़्यादा क्रैक्स नहीं आते हैं, थोड़े बहुत क्रैक्स आते हैं, तो उसको हाथ से इस तरीके से ठीक कर सकते हैं हम। और बस हमारी मोटी सी रोटी बन के रेडी होगी। बहुत मोटी नहीं बनानी है, थोड़ी सी पतली रखेंगे, मोटे आटे की रोटी बहुत ज़्यादा पतली हो भी नहीं पाती है। तो देख सकते हैं हमने अच्छे से सेक लिया, इसको अच्छे से घी लगा लेना है बस हमारे बाजरे की। और ये पत्ता गोभी की रोटी इतना टेस्टी लगती है, तो आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो कद्दू कद्दू देखिए, ये मत सोचिएगा कि रोटी का टेस्ट नहीं अच्छा आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है रोटी का। यहाँ पे कद्दू को मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि पका कद्दू या फिर कच्चा कद्दू, जैसा भी आपको अवेलेबल हो वैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले रोटी बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है हमने वो प्रिपरेशन कर लेनी है, उसके बाद में रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ग्रेटेड कद्दू को हमने निकाल दिया इस बोल के अंदर। अब जो चीज़ें ऐड करेंगे रोटी के अंदर, रागी के आटे में बहुत ज़्यादा हेल्दी रोटी बनती है, तो यहाँ पर हमने जार में लिया 2 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड अलसी, जो कि हम लोग जनरली रोज नहीं खा पाते हैं, तो इसमें रोटी मिक्स करके खाएंगे। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, फाइबर होता है, प्रोटीन रिच होता है, काफ़ी हेल्दी रहता है हमारे स्किन के लिए। सेसमे सीड तिल भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, कैल्शियम रिच होता है हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है इस दोनों ही चीज़ें। तो इनको हमें मोटा मोटा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए। डो बनाने के लिए एक पैन लेंगे, पॉट लेंगे, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। इसके अंदर डालेंगे 1 कप पानी। पानी डालने के बाद में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और बहुत ही थोड़ा सा घी, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 टीस्पून घी का हमने इस्तेमाल करा है। अब पानी को हमें थोड़ा सा उबाल लेना है, बस जैसे आप देखते हैं एक बॉयल आ जाएगा इसके अंदर। इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने ग्रेटेड कद्दू था, पम्पकिन, वो इसमें डाल देंगे हम। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ हमें बहुत देर तक नहीं पकानी है,
सिर्फ 30 सेकेंड्स के अंदर आप देखेंगे जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा वैसे ही फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। अब इसके अंदर जो हमने अपना पाउडर बना के रेडी किया था यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स और सेसमे सीड्स का वो हमने डाल दिया है इसके अंदर, और 1 कप पानी डाला था, कद्दू डाला है, सारी चीज़ें, और 1 कप हमने सेम कप से ही रागी का आटा इसमें डाल दिया है। गैस को अब बंद कर दीजिए आप, बस पानी ऑलरेडी बहुत गर्म हो चुका है, सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि पूरा इसी टाइम पे आपको मिक्स करना है, थोड़ा सा आप इसे मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में क्या करेंगे, एक बोल में सारा मिक्सचर हमें निकाल लेना। अभी आप देख सकते हैं एकदम कंबाइंड नहीं हुआ है, डो नहीं बना है इसका। इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा इतना कि बस हाथ से आप टच कर सकें आराम से। उतना जब हो जाएगा तब इसका हमें डो बना लेना। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी की ज़्यादा मात्रा नहीं है, अगर इनकेस पानी ज़्यादा पड़ जाए आपसे तो उसमें थोड़ा सा सूखा आटा डाल दीजिए। ये तो हम लोग ऐसे करते हैं, ये पानी ज़्यादा हो जाए तो सूखा आटा डाल देते हैं, कम हो जाए तो आप थोड़ा सा गर्म पानी डालिएगा। इससे क्या होता है ना, गर्म पानी डालने से रोटियाँ सॉफ्ट बनती हैं रागी की अगर आप बना रहे हैं। और यहाँ पर ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको रागी का ही आटा इस्तेमाल करना है, आप बाजरे का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्वार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही हेल्दी रोटी बना के रेडी कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ठंडा हो चुका था तो हमने इसको अब डो बना के इसका रेडी कर लेंगे। डो हमारा रेडी हो चुका था, इसको हमें बॉल्स इसकी लोई बना लेनी है। तो कम से कम इस जितना हमने क्वांटिटी ली थी उसमें 6 से 7 रोटी बन के रेडी हो जाती हैं। अब कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आटा लेना है, हल्का सा डस्ट करेंगे और जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। थोड़ा साइड में क्रैक्स आ जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारा कद्दू वगैरह इसके अंदर हमने ऐड करा है। अगर आपको बहुत ही क्लीन कॉर्न, इसके जो बाहर के किनारे होते हैं क्लीन चाहिए, तो आप इसे किसी भी ढक्कन से, किसी भी कटोरी से आप इसे काट सकते हैं या फिर हाथों की मदद से इसके किनारे थोड़े से ठीक कर लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ना ही बहुत पतली रोटी बनानी, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी, हल्की सी मोटी तो रहती है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा कद्दू ऐड करा है हमने। और यहाँ पे इसको दोनों तरफ मीडियम लो फ्लेम पे सेक लेना है, ना ही बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लेम। अगर करेंगे तो रोटी बाहर से जल जाएगी, इसके पौष्टिक तत्व बहुत ज़्यादा जल जाते हैं अगर हम हाई फ्लेम पे सेकते हैं, इसलिए रोटी को हल्का सा मीडियम लो फ्लेम पे ही सेकेंगे दोनों तरफ। आप चाहें तो घी लगा सकते हैं या फिर बाद में भी घी लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रोटी बन के रेडी हो जाती है।